देश के दो केंद्रीय मंत्रियों के बयान चर्चा में बने हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जो जनता की भावनाएं समझते हैं। इधर संसदीय बोर्ड में इस बार जगह नहीं पाए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान भी दो दिन में सुर्खियों में है, जिन्होंने एक बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि किसी को इस्तेमाल करके फेंक नहीं देना चाहिए। पहली बात कहूंगा कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स। इसलिए कभी भी यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं करना चाहिए। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है, तो वो पकड़ के रखो। मैं नागपुर में काम करता, स्टूडेंट लीडर था, सही में तो ज्ञान योगी हमारे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे, मेरे मित्र थे, बहुत होशियार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन, यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव ए गुड पॉलिटिकल फ्यूचर, बट यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी, तुम कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा, क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। जब आपको सक्सेस मिलता है तो उसकी खुशी अगर केवल आपको अकेले को अगर होती होगी देन दैट इज मीनिंगलेस। पर जब आपको सक्सेस मिलता है और खुशी होती है तो आपसे ज्यादा आपके साथ काम करने वाले जो छोटे बड़े लोग हैं उनको आपसे भी ज्यादा खुशी होती है, देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योर सक्सेस। आदमी युद्ध भूमि पर हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त होता है। तो लड़ना चाहिए, और लड़ने की में पॉजिटिविटी चाहिए। अहंकार एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, दो शब्दों में अंतर है। इस समय की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर आरोप लगाया है। आरोप दरअसल झारखंड के जो झारखंड के जो विधायक सरकार बचाने की कवायद में छत्तीसगढ़ में है, रमन सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है रायपुर को। वो कह रहे हैं दारू मुर्गा खूब उड़ाया जा रहा है वहां पर। झारखंड में सरकार को बचाने के लिए रांची से खूंटी और खूंटी के रिजॉर्ट के बाद अब रायपुर का रुख किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उनकी तरफ से यह आरोप है। सरकारी और आबकारी विभाग, सरकारी जो गाड़ी है आबकारी विभाग की, उसके इस्तेमाल का भी आरोप लगा रहे हैं रमन सिंह ने। भूपेश बघेल पर यह बड़ा आरोप लगाया है, ये तस्वीरें दिखाते हुए। रुको तो, क्या क्या नहीं बनाए, क्या 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 बोल रहे हो, क्यों वीडियो नहीं बनाए, मत कर भाई। ये देखिए शराब यहाँ पर पहुंच रही है, जब इस सरकारी गाड़ी की तस्वीरें भी बनाई जा रही थी, वीडियो बनाया जा रहा था, उस समय भी आपत्ति की जा रही थी उससे, और आरोप ये लगाया जा रहा है रमन सिंह के द्वारा कि इस गाड़ी में, इस सरकारी गाड़ी के जरिए वो शराब वहां पर पहुंचाई जा रही है।